Morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the summary of the chapter number 9, Bholi in your book Footprints Without Feet. And today we are going to start reading this chapter. So this chapter starts from page number 54. आपकी book में page number 54 से chapter start होता है. So you all need to turn to page number 54. Dear students, वैसे कल मैंने आपको इस chapter की summary बताई थी. अगर आप वो समरी 2-3 टाइम देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, तो पहले आप चैप्टर रीड करने से पहले कल का जो लेक्चर था उसको एक बार देखें. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम. तो बचपन से ही भोली को घर में नेगलेक्ट किया जाता था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. क्या रीज़न था कि उसके टीचर जो है वो भोली में बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं, इतना इंटरेस्ट लेने लगते हैं जितना इंटरेस्ट कभी भोली के घर वालों ने उसमें लिया नहीं. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन. क्या जो भोली है वो अपने जो टीचर से उनकी आशाओं पर खरी उतरती है. मेजर अप टू मीन्स होता है खरी उतरना. ठीक है, खरी उतरना होता है वो. खरी उतरना मीन्स कि जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करना. तो क्या भोली अपने टीचर्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है, और क्या यही रीज़न होता है कि उसके टीचर्स उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नेम क्या था? सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन. लेकिन क्या है, बचपन से ही सभी उसको भोली कहकर बुलाते थे. ओके, द सिंपलटन. सिंपलटन मीन्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धू. ओके, तो उसको भोली बुद्धू कहकर लोग बुलाया करते थे. सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो रामलाल जो कि एक नंबरदार था उसकी फोर्थ नंबर की डॉटर थी भोली. मीन्स की भोली से बड़ी 3 सिस्टर्स थी. व्हेन सी वॉज 10 मंथ्स ओल्ड. जब भोली केवल 10 मंथ्स की थी, सी फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड. अब क्या है, जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो अपना जो कोट था, अपना जो बेड था, उससे वो सिर के बल पर गिर गई. एंड परहैप्स इट हैज़ डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. और इस वजह से उसके ब्रेन का जो कुछ पार्ट है वो डैमेज हो गया था. दैट्स वाई सी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन. और इसी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, मतलब कि पिछड़ी हुई बच्ची रह गई, और इसी वजह से उसको भोली बुद्धू कहकर पुकारा जाने लगा. ठीक है, एट द बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी. जब उसका जन्म हुआ था तब तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा फेयर थी. बट वेन सी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड. लेकिन जब वो 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उसको क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स हो गया. स्मॉल पॉक्स क्या होता है, जो चेचक होता है ना, चेचक की बीमारी वो उसको हो गई. और इस वजह से क्या हुआ, Only the eyes were saved. केवल उसकी आंखें ही उस बीमारी से बच पाई. But the entire body was permanently disfigured. लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो है ना वो permanently disfigured हो चुकी थी. Disfigure means होता है यहाँ पे कि एक तरीके से खराब हो जाना. ठीक है, किससे खराब हो चुकी थी उसकी बॉडी, By deep black pock marks. वो जो ब्लैक कलर के चेचक के जो मार्क्स हो गए थे उनकी वजह से. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5. जो बेचारी सुलेखा थी वो 5 साल की जब तक हो गई थी तब तक तो वो बोल ही नहीं पाती थी. एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टेमर्ड. और लास्ट में जब वो बोलना सीखी तो वो स्टेमर होती थी. स्टेमर मीन्स होता है हकलाना, बोलते टाइम पे रुकना है ना, तो रुक रुक कर बोला करती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक हर. अदर्स जो चिल्ड्रन थे वो अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी नकल भी वो बच्चे किया करते थे उसके साथ खेलने वाले. ठीक है, एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल. और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा
कम बोला करती थी, है ना, उसको शर्म आती थी थोड़ी। रामलाल हैड सेवन चिल्ड्रन, रामलाल के टोटल सेवन बच्चे थे, थ्री सन्स फोर डॉटर्स एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन सब में छोटी कौन थी, भोली। इट वॉज प्रॉस्पेरस फार्मर्स, ये एक प्रॉस्पेरस फार्मर था, धनी फार्मर था, काफ़ी पैसा था इसके पास। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, भोली ऐसे पीछे रह चुकी थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस, जो बच्चे थे उनको सिटीज में भेज दिया गया वहाँ पर स्कूल में पढ़ने और कॉलेज में पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, अब डॉटर में से जो राधा सबसे बड़ी थी उसकी तो पहले ही शादी हो चुकी थी। सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल, मंगला की शादी भी बिल्कुल सेटल हो गई थी, बिल्कुल फिक्स हो गई थी कि इससे ही होगी। व्हेन दैट वाज डन, जब मंगला की शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल अपनी थर्ड डॉटर चंपा के बारे में सोचने लगा कि अब उसकी शादी करनी है। देवर गुड लुकिंग, ये तीनों बच्चियाँ जो है ना अच्छी दिखती थी, हेल्दी गर्ल्स, काफ़ी हेल्दी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दुल्हा ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो अच्छी दिखती थी तो अपने आप ही उनके लिए आगे से रिश्ते आया करते थे, ठीक है। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, लेकिन रामलाल है वो भोली के बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड रहता था, क्योंकि वो ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तब भोली केवल 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन्ड इन हर विलेज, और उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला था विलेज में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग, तहसीलदार साहब आए उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो करने के लिए, और जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने रामलाल को कहा, क्या कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर होने के मुताबिक आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है विलेज में, ठीक है, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने गांव में। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो आपको भी जो हमारे गांव वाले हैं उनको एक उदाहरण देना होगा, है ना, आपको उदाहरण देना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, हमारे स्कूल हमारे हम विलेज में जो नया स्कूल खुला है ना वहाँ पर आपको अपनी डॉटर को पढ़ने लिखने के लिए भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" है ना? तो जब रामलाल नाइट में अपनी वाइफ से डिस्कस करता है तो चिल्ला के बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, कि आप पागल हो गए हो, अगर गर्ल्स स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा, ऐसा उसकी वाइफ बोलती है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन जो तहसीलदार ने जो बात कही है उसको डिसओबे करने का रामलाल में बिल्कुल भी साहस नहीं था। एट लास्ट वाइफ सेड, लास्ट में वाइफ कहती है, आई विल टेल यू वॉट टू डू, कि चलो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है, सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके वैसे भी शादी होने के बहुत कम चांस है ना, लगता नहीं है कि उसकी शादी होगी, तो उससे बेटर है कि तुम उसको स्कूल ही भेज दो। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका फेस अगली है और उसमें सेंस की भी थोड़ी कमी है, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, चलो स्कूल में जो टीचर्स है ना उनको इसकी टेंशन लेने दो, हम इसकी टेंशन नहीं लेंगे, ऐसा उसकी खुद की मदर ने बोल दिया। नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड कम विद मी, नेक्स्ट डे भोली का हाथ पकड़ा रामलाल ने और कहा कि मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। बट भोली वॉज फ्राइटन, लेकिन भोली जो है डरी हुई थी, है ना, सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, वो जानती नहीं थी कि स्कूल कैसा होता है।
सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसको याद आया कि थोड़े दिन पहले उनके घर की जो काउ थी ना लक्ष्मी, उसको बाहर निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था, है ना. तो भोली भी डरी हुई थी, उसको लगा कि जो पेरेंट्स हैं उसको भी बेच देंगे, ऐसा उसको लगा. तो बोलती हकलाते हुए नो 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 नो, ऐसा करते हुए बोलती है, ठीक है. सी शाउटेड इन टेरर, वो डर से चिल्लाती है. एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने फादर के हाथ से वो अपना हाथ छुड़ा लेती है. व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, अब उसके पापा बोलते हैं कि पागल क्या हो गया है तुमको, ऐसा उसके पापा बोलते हैं चिल्ला के. I am only taking you to school. मैं तुम्हें स्कूल ही ले जा रहा हूँ. Then he told his wife. फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है, Let her wear some decent clothes today. कि कल आज इसको कुछ अच्छे से decent से कपड़े पहना दो. Or else what will the teacher and other school girls think of us when they see her? नहीं तो स्कूल के जो टीचर्स हैं और अदर जो स्कूल गर्ल्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे भोली को देख के, कि इसको घर पे अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं क्या, है ना. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे. द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो ओल्ड ड्रेसेस होती थी उसकी सिस्टर की, उन्हीं ड्रेसेस को उस पर पास कर दिया जाता था. नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को परवाह नहीं थी उसके जो कपड़े हैं उनको मेंड करने की, मतलब सिलाई वगैरह करने की और उनको धोने की. बट टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो काफ़ी लकी थी क्योंकि उसको स्कूल जाना था और उसको बिल्कुल साफ ड्रेस आज पहनने के लिए मिली. विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो सिकुड़ गई थी बहुत सारी बार धोने के वजह से. ठीक है, बट टूडे सी वॉज लकी टू रिसीव क्लीन ड्रेस, ये हमने रीड कर लिया था. एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा जो थी उसकी बड़ी सिस्टर, उसको अब वो फिट नहीं आती थी, इसलिए अब वो भोली के ले आई गई वो ड्रेस. सी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके जो मेटेड मीन्स कि जिनका कलर उड़ चुका है, भूरे भूरे जो उसके बाल थे उन पर ऑयल लगाया गया, उसको नहलाया गया. ओनली देन सी बिगिन टू बिलीव दैट सी वॉज बीन टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तभी भोली को विश्वास हुआ कि उसको किसी ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जो जगह उसके घर से ज़्यादा अच्छी है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जितना रीड किया इसमें इतना हुआ है कि भोली को स्कूल ले जाने के लिए रेडी किया जाता है. भोली पहले डरती, उसको लगता है कि जैसे काउ को बाहर निकाल के बेच दिया गया उनके घर से, वैसे ही भोली को भी बेच दिया जाएगा. लेकिन फिर जब उसको अच्छे से रेडी किया जाता है तब वो सोचती है कि हाँ मुझे अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, तो वो रेडी हो जाती है. अब वो स्कूल में जाएगी, स्कूल में क्या सीन रहता है, क्या वो इजीली स्कूल के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेगी, और इट विल टेक टाइम फॉर हर टू गेट टू नो दिस. We will read the part number 2 of this chapter tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.